नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। जामताड़ा में 19 से 26 नवंबर तक मनाया जाएगा अबुआ आवास दिवस। आप सबको बता दूं कि जामताड़ा बीडीओ प्रवीण चौधरी ने प्रखंड सभागार में शुक्रवार को पदाधिकारी और कर्मियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर सभी पंचायतों में 19 से 26 नवंबर तक आवास सप्ताह दिवस मनाने और लंबित आवासों को पूर्ण कराने का निर्देश भी दिया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने को भी कहा। राशन कार्ड के सामाजिक अंकेक्षण में पाए गए त्रुटियों का समाधान करने का निर्देश भी दिया। पोटो हो खेल का मैदान सभी पंचायत में बनाने को भी कहा। रोजगार सेवक एवं पंचायत सचिव को इस योजना का अभिलेख अविलंब प्रखंड कार्यालय में जमा करने को कहा। साथ ही मनरेगा में मानव दिवस बढ़ाने की भी बात कही। एबीपीएस के मामले में कहा है कि जिन पंचायतों में 90% से कम पाया जाएगा तो रोजगार सेवकों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। वहीं 2020-21 से पूर्व की जितनी भी योजनाएं हैं उसे पूर्ण करते हुए अविलंब बंद करने को कहा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों के बीच 1,35,00,000 की परिसंपत्ति बांटी। आप सबको बता दूं कि दुमका में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हित में कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कहा कि बाग और जंगल का जो संबंध है वही नेता और जनता का होना चाहिए। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में परंपरागत खेती के साथ आधुनिक तकनीकों का उपयोग अवश्य करें, इससे लागत कम आएगी और आय बढ़ेगी। उन्होंने कृषि विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी एवं योजनाओं का लाभ लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बेहतर कृषि उपज एवं आय के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग अवश्य करें। सरकार किसानों की सुविधा के लिए विभिन्न योजनाओं के साथ लगातार बेहतर कदम उठा रही है। सरकार को किसानों की परेशानियों का एहसास है और सरकार समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार गरीबों के लिए बनी है। राज्य सरकार जो भी योजनाएं लाती है आप सभी उसका भरपूर लाभ उठाएं। 20 साल तक सेवा देने वाले प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक सीधे बनेंगे प्रिंसिपल, आदेश हुआ जारी। स्कूलों में लंबे समय से शिक्षा दे रहे प्राथमिक स्कूलों के प्राथमिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। काफी समय से लंबित चल रहे प्रोन्नति के मामले पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने फैसला लिया है। अब जो प्रारंभिक शिक्षक अपनी सेवा के 20 साल पूरे कर चुके हैं उन्हें सीधे प्रिंसिपल के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। इसके लिए सभी उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षकों को आदेश जारी किया गया है। 2 माह की हुई ट्रेनिंग पूरी, खुट्टी डीसी ने कल्याण गुरुकुल के छात्रों को दिया नियुक्ति पत्र। खुट्टी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने शुक्रवार को कल्याण गुरुकुल खुट्टी के अंतर्राष्ट्रीय बैच के चयनित छात्रों के बीच रोजगार संबंधित नियुक्ति पत्र का वितरण किया। झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की एसपीवी के तौर पर कार्य कर रही प्रज्ञा फाउंडेशन की ओर से संचालित कल्याण गुरुकुल खुट्टी में स्टील बार बेंडर ट्रेड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 माह के सफल प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों को उपायुक्त ने नियुक्ति प्रमाण पत्र का वितरण किया। उपायुक्त ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रज्ञा फाउंडेशन द्वारा बताया गया कि सभी छात्रों की नियुक्ति दुबई स्थित रेडिफिक्स मिडिल ईस्ट LLC में हुआ है। खुट्टी डीसी ने की समाज कल्याण विभाग की मीटिंग, आंगनबाड़ी सेविकाओं की नियुक्ति। उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय के सभागार में जिला समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। आप सबको बता दो कि खुट्टी में इस दौरान समाज कल्याण के तहत जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश डीसी ने दिए। उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बसंती गलाडिस बड़ा को निर्देशित किया कि जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिका और सेविकाओं के रिक्त पदों को भरने की दिशा में यथाशीघ्र कार्रवाई करें। उन्होंने आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले में निर्माण किए जा रहे भवनों के निर्माण स्थलों का दौरा कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण करने का निर्देश भी दिया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि कुपोषण उपचार केंद्रों में उपलब्ध बेड के अनुरूप भरा रहना चाहिए। कुपोषण के शिकार बच्चों के उपचार में कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अड़की को सिविल सर्जन खुट्टी से संपर्क कर प्रखंड मुख्यालय में कुपोषण उपचार केंद्र को यथाशीघ्र चालू कराने की दिशा में पहल करने का निर्देश भी दिया। हेमंत सोरेन से मिले महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य एवं पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने शिष्टाचार मुलाकात की। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों को 17 नवंबर को ही मिला वेतन, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोक आस्था के महापर्व छठ को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को 17 नवंबर को ही इस माह का वेतन देने का निर्देश जारी कर दिया। अधिकारी तुरंत इस आदेश का पालन करने में जुट गए और बताया जा रहा है कि लगभग 70% कर्मियों को 17 तारीख को ही वेतन दे दिया गया।
शेष कर्मचारियों को आज यानी कि शनिवार को वेतन दिया गया। रांची कोषागार और जिले के अन्य कोषागार आज खुले रहे ताकि सभी का भुगतान हो जाए। आप सबको बता दें कि झारखंड सरकार, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड उच्च न्यायालय और विधानसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारी और कर्मियों को नवंबर माह के वेतन का भुगतान जो है 17 नवंबर को ही सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया था। ट्रेनों में आगजनी को लेकर टाटा नगर स्टेशन पर हाई अलर्ट, DRM ने किया निरीक्षण। देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रेन में आगजनी के मामले को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। किसी तरह की अनहोनी ना हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्टेशनों का निरीक्षण किया जा रहा है। चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM अजय राठौर ने खुद टाटानगर रेलवे स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म स्थित पार्सल यार्ड का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने सभी को स्टेशन में ज्वलनशील पदार्थ न लाने की सलाह दी। इसी के साथ उन्होंने डिपो में भी इस बात का ध्यान देने को कहा कि कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं है। गिरिडीह में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की दर्दनाक हुई मौत, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। आप सबको बता दूं कि गिरिडीह में शनिवार की सुबह बड़ी दुर्घटना की सूचना मिली। आप सबको बता दूं कि बिरनी थाना क्षेत्र के बागमारा लोकिया गांव में सुबह 3 बजे एक बाराती वाहन पेड़ से टकरा गई। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। सबों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। आप सबको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक सभी लोग स्कॉर्पियो से बिरनी थाना क्षेत्र के थोरिया से टिकोडी गांव गए हुए थे। रात में भोजन करने के बाद सभी लोग वाहन से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी टक्कर एक पेड़ से हो गई जिससे घटनास्थल पर ही 5 लोगों की मौत हो गई जबकि एक की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। वहीं दूसरी घायल की स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचकर वाहन में फंसे शव को बाहर निकाला। पाकुड़ में पत्थर व्यवसाय के कर्मचारी की बावर्ची ने की हत्या, हुआ गिरफ्तार। पाकुड़ के सिंधी पाड़ा के बड़े पत्थर व्यवसायी नरेश मध्यान छावरिया की कंपनी छावरिया इंजीनियरिंग के एक कर्मचारी की उसके कमरे में हत्या कर दी गई। बता दें कि कर्मचारी बीते 20 साल से कंपनी में कार्यरत था। हत्या के मामले में पुलिस ने कंपनी के बावर्ची मोती मंडल को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी मोहनदास लालवानी के रूप में हुई। वहीं दूसरी ओर आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। सरायकेला में युवक ने लाइव वीडियो बनाते हुए की आत्महत्या। मुड़िया गांव में एक युवक ने लाइव वीडियो बनाते हुए अपनी मां के घर पर आत्महत्या कर ली। युवक की पहचान चंद्रपुर गांव निवासी शहबाज आलम के रूप में हुई। आप सबको बता दूं कि सरायकेला में बीते कुछ दिनों से शहबाज की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और वह काफी तनाव में रहता था। घटना के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मृतक शहबाज के मोबाइल को कब्जे में लिया गया। फिलहाल आत्महत्या के कारण का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।